किसानों के धान की खरीद के लिए जनपद में तकरीबन 150 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां किसान जाकर अपने धान को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच सकता है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि किसानों के धान का समर्थन मूल्य शासन द्वारा 1888 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान की खरीद के लिए प्रत्येक 8 किलोमीटर पर धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। किसान अपने धान को क्रय केंद्र पर ले जाकर बेच सकता है। उसके धान के खरीद का भुगतान 72 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया, खरीद के लिए हम लोग तकरीबन 150 सेंटर खोल रखा है। यहाँ अभी समय में हम लोग रेट भी बहुत अच्छा हम दे रहे हैं, 1868 रुपया नॉर्मल जो धान का, और यदि तो अच्छा वैरायटी होता तो 1888 रुपया दे रहे हैं। और किसान लोग का हम अपील भी किए हैं, और एक एक जगह हम लोग लेखपाल को नोडल भी बनाए हैं। किसी भी किसान का ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 8 किलोमीटर दूरी पर उनका ये किराए केंद्र मिल जाएगा। कोई किराया वो जो यदि नमी के वजह और जो कोई किसी न किसी वजह वो रिजेक्ट करता है, तो तुरंत आप तहसील को, ब्लॉक को हमें सूचित कराएं। वहाँ हर किराए केंद्र पे मेरा भी मतलब डीएम का भी नंबर लिखा रहता है, सीयूजी नंबर, और कंट्रोल रूम इसके लिए बना हुआ, कंट्रोल रूम का नंबर भी रहता है। यदि आपका लगता है बेवजह आपको कोई परेशान करता, तो तुरंत आप इन्फॉर्म कर लें, वो हम लोग उसको जाँच करा के आपका धान हम खरीद लेंगे, अच्छा रेट हम दे देंगे, और एक सप्ताह के अंदर यानी एक सप्ताह के 72 घंटे के अंदर आपके खाता में पैसा पहुँच जाता है। ये भी हम लोग का वो है। और इस समय में आपका अच्छा मौका है, ये रेट मार्केट रेट से तकरीबन 400-500 रुपया अधिक है हम देने वाले रेट। इसलिए मैं आपको अपील करने चाहता हूँ, जो कितने भी दान देने चाहते हैं आकर के दे दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं।